हो गया होगा। वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ए सिंपल पेंडुलम हैंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द सफिशियंट हाई बिल्डिंग। अगर एक हाई बिल्डिंग है जिससे मैं एक सिंपल पेंडुलम लटका दिया हूँ, मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, द एक्सलेशन ऑफ बाब ऑफ द पेंडुलम इज। अब देखो एक्सलेशन दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो दिया हुआ है उसको लिख लो, छाप लो। डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब देखो एक्सलेशन जो होता है वो क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। ये पार्टिकल यहाँ से जाएगा मीन पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन पे जाकर रुकेगा, वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। तो जो ट्रू एंड फ्रो मोशन होता है वो ऑसिलेशन होता है। अब आप पढ़े होंगे थ्योरी में, हर एक ऑसिलेशन SSM नहीं होता है यार, हर एक ऑसिलेशन SSM नहीं होता है, और लेकिन जो SSM है वो ऑसिलेशन ही होगा। तो ये बात आपको क्लियर होगा। तो इसमें जो SSM होता है उसमें एक्सलेशन का, अगर ये मीन पोजिशन है जो ओरिजिन पे, हमारा जो सिलेबस है उसमें मीन पोजिशन ओरिजिन पे ही रहता है, तो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर जो एक्सलेशन होता है वो हमेशा टुवर्ड द मीन पोजिशन होता है, और उसकी एक इक्वेशन होती है एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस में ऑसिलेशन कर रहा है तो दिस इज द एक्सलेशन। अब इस एक्सलेशन से हमें टाइम पीरियड पोजिशन भी दिया, एक्सलेशन भी दिया, तो टाइम पीरियड निकालना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πt, ये 2πt, तो इसका मतलब ये हुआ, ये वैल्यू यहाँ डाल दो यार, a की वैल्यू डाल दो 20 और ओमेगा 2πt का स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, माइनस साइन को इग्नोर कर दो, रीस्टोरिंग के लिए आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक्सलेशन वेक्टर हमेशा अपोजिट ही होंगे, दैट इज ऑलवेज अपोजिट। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो तो यह जाएगा 4 और यह जाएगा 2, मतलब 2π/t, तो 2 ने 2 को, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई सेकंड, मतलब बी ऑप्शन सही है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है भैया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। स्प्रिंग